दोस्तों नमस्कार जोहार। झारखंड का मत्स्य विभाग समय समय पर देश के प्रतिष्ठित शोध संस्थानों के वैज्ञानिकों से किसानों और पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श कराकर नई नई तकनीकों के विषय में जागरूक करता रहा है, जिससे मछली उत्पादन में वृद्धि हो, उत्पादन पर लागत कम आए और अनावश्यक दवाओं के प्रयोग को कम किया जा सके। इसी कड़ी में दिनांक 24 सितंबर 2024 को मत्स्य किसान प्रशिक्षण केंद्र मत्स्य प्रक्षेत्र शालीमार धुरवा में मत्स्य पालन में रोगाणुरोधी प्रतिरोध को कम करने हेतु जल कृषि पद्धतियां या एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस पर डॉक्टर एचएन द्विवेदी निदेशक मत्स्य झारखंड की अध्यक्षता में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के मत्स्य किसान और विभाग के पदाधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में लखनऊ स्थित राष्ट्रीय मात्स्यिकी अनुवंशिक संसाधन ब्यूरो या नेशनल ब्यूरो ऑफ फिशरीज जेनेटिक रिसोर्सेस या संक्षेप में जिसे NBFGR कहते हैं के वैज्ञानिकों डॉक्टर गौरव राठौर प्रधान वैज्ञानिक और डॉक्टर चंद्रभूषण वरीय वैज्ञानिक ने किसानों को बताया कि देखा जा रहा है कि मछलियों में एंटीबायोटिक के प्रयोग के बावजूद बीमारियां समाप्त नहीं हो रही हैं, क्योंकि मछलियों में रोगाणु प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई है, जिससे दवाएं काम नहीं कर रही हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि मछली पालन में देश में मात्र 3 ही एंटीबायोटिक के प्रयोग की अनुमति है। ये है टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ट्राईमेथोप्रीम और ऑक्सोलिनिक एसिड। परंतु देखा जा रहा है कि हमारे किसान धड़ल्ले से विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिकों का प्रयोग करते हैं, जिससे रेसिस्टेंस पैदा होता है और बीमारियां ठीक नहीं होती हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि मछलियों में बीमारी होने पर नाइट्रोफ्यूराजोन, जो फ्यूरासिन नाम से बिकता है, क्लोरम फेनिकोल, नियोमाइसिन, नेलिडिक्सिक एसिड और सल्फर डाइजिंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वैज्ञानिकों ने मौके पर मत्स्य प्रक्षेत्र के बायोफ्लॉक इकाइयों को भी देखा और आवश्यक सुझाव दिया। बैठक में उप मत्स्य निदेशक अमरेंद्र कुमार, रवि रंजन कुमार, मरियम मुर्मू के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारी और किसान उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन प्रशांत कुमार दीपक मुख्य अनुदेशक के द्वारा किया गया। वैज्ञानिकों के द्वारा झारखंड प्रवास के दौरान अगले 2 दिनों में राज्य के विभिन्न झीलों, तालाबों और जलाशयों में किए जा रहे मत्स्य पालन की गतिविधियों को देखा जाएगा और आवश्यक सुझाव दिया जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जोहार।